नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़, एडमिशन ओपन। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदली बाजार, आजमगढ़, एडमिशन ओपन। वुडन टच, भवनाथ, आजमगढ़। और जीडी ग्लोबल स्कूल, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़, एडमिशन ओपन। उत्तर प्रदेश में 36 सीटों के लिए हुए एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटों पर जीत हासिल करके विपक्षी समाजवादी पार्टी को चारों खाने चित कर दिया। समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। प्रदेश में वाराणसी, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ जिले में ही भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। इन दोनों स्थानों पर प्रत्याशियों ने जीत का परचम लहराया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे विक्रांत सिंह ऋषु ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल कर दी और सपा और भाजपा के प्रत्याशियों को धूल चटा दी। निर्दल प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल करने वाले विक्रांत सिंह ऋषु को 4,075 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पूर्व विधायक अरुणकांत यादव को 1,262 मत पाकर संतोष करना पड़ा। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी निवर्तमान एमएलसी राकेश यादव गुड्डू को मात्र 356 मत मिले और वो अपनी जमानत गवा बैठे। एक महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर बुरी तरह से चुनाव हार गई थी। इसके बाद भी पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा और जबरदस्त गुटबाजी पार्टी में जारी रही, जिसका नतीजा ये रहा कि पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता भीतरघात करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत सिंह ऋषु के साथ रहे। भाजपा प्रत्याशी अरुणकांत यादव ने खुलकर जिले के संगठन पर आरोप लगाया कि स्थानीय स्तर पर नेताओं ने उनका सहयोग नहीं किया, इसी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वहाँ से कोई कमी नहीं है, जो कमी है वो हमारे जिला स्तर पर है। और आपने देखा कि 10 की 10 सीटें हमने हारे आजमगढ़ में, जरूर इसमें कोई न कोई कमी रही, क्योंकि हमारे यहाँ मैं देखता हूँ कि जब किसी कैंडिडेट को टिकट मिलता है तो बाकी लोग उसका विरोध करते हैं और ये गलत बात है, क्योंकि जिन लोगों को टिकट मिला विधानसभा में, मुझे नहीं मिला, मैंने तो किसी का विरोध नहीं किया। पार्टी के नेता रहे हूँ चाहे किसी अन्य दल के, सारे लोगों ने मेरा विरोध किया, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स को का पैटर्न चेंज करने की बात करता हूँ। लोगों को लगता है कि अगर इनकी बात प्रभावी होगी समाज में तो हमारी दाल नहीं गलेगी, इस वजह से सारे लोगों ने हमारा विरोध किया। और लेकिन मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप समझदार नहीं बनोगे तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप एक बेहतर जिंदगी जी पाओगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुणकांत यादव को मिली करारी हार पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष आजमगढ़ का कहना है कि हार के तमाम कारण हैं, हम लोग मजबूती से लड़े। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, हमें हार का दुख है, जीतने की आशा थी, किसी कारणवश जीत हासिल नहीं हो सकी। अरुणकांत यादव ने आरोप पर बीजेपी जिला अध्यक्ष जवाब देने से कतराते हुए एबीसी न्यूज के कई बार सवाल करने के बाद उन्होंने जवाब नहीं दिया। तमाम कारण है, हम लोग लड़े मजबूती के साथ, हार जीत तो लगी है, हार का दुख है हम लोगों को, जीतने की पूरी आशा थी लेकिन किसी कारणवश चुनाव पार्टी हार गई, इसका दुख हम लोगों को है। भाजपा के प्रत्याशी का कहना है कि वो भाजपा के लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। आपके प्रत्याशी ने कहा है कि हमारे लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, ठीक है। वहीं एमएलसी चुनाव में हार का सबसे बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को लगा है, क्योंकि आजमगढ़ और मऊ के 14 में से 13 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से है, कई ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, सैकड़ों की संख्या में प्रधान और बीएससी सभासद समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। लेकिन इन सब के बावजूद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राकेश यादव मात्र 356 मत पाए और उनकी जमानत जब्त हो गई। समाजवादी पार्टी की हार पर जिलाध्यक्ष अवलदार यादव ने सफाई पेश की। एबीसी न्यूज से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने प्रत्याशी किसी को बनाया और सरकार ने मदद निर्दलीय प्रत्याशी की। उन्होंने कहा कि वाराणसी में बीजेपी के प्रत्याशी सुदामा पटेल पिछड़े वर्ग के थे और आजमगढ़ में अरुणकांत यादव पिछड़े वर्ग के, दोनों हार चुनाव हार गए क्योंकि बीजेपी पिछड़ा वर्ग विरोधी है। देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ साम दाम दंड भेद अख्तियार करके चुनाव में उन्होंने टिकट किसी और को दिया, एथराइज किसी और को किया, लेकिन मदद किसी और के किया। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके यहाँ पर आजमगढ़ में, समाजवादी गढ़ में कहीं न कहीं मतभेद डालने के लिए या
भेद पैदा करने के लिए उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया और दूसरी तरफ सरकार ने मदद दूसरे प्रत्याशी को दिया किया, जिसकी वजह से चुनाव में ये परिणाम रहा। देखिए विधायक तो आज भी चुनाव हो जाए हमारे होंगे, जनता समाजवादी पार्टी को चाहती है और ये चुनाव जिस तरह का होता है वो सब लोग जानते हैं। बिल्कुल रहा, सत्ता निर्दल प्रत्याशी के साथ रही। अब प्रत्याशी साथ क्यों नहीं रही? उनके प्रत्याशी गौरकान जी थे क्या? उनके पिताजी समाजवादी पार्टी में थे इस कारण? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है। आप देख रहे हैं कि बनारस में मोदी जी के क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में, प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में, वहाँ पर डॉक्टर सुदामा पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन योगी की सरकार जो सत्ता में है उसके चलते वहाँ पर दूसरे निर्दल प्रत्याशी चुनाव जीत गई। वही यहाँ पर भी हुआ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, जहाँ आपके बच्चों को मिलेगा इंटरनेशनल अप्रोच के साथ इंडियन सोच की एजुकेशन। हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिफाइड टीचर्स एवं परिपक्व मैनेजमेंट, जो आपके बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 9 CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम। हमारे पास है 360 डिग्री डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पैराडाइज लर्निंग प्रोग्राम। प्ले ग्रुप सेक्शन, जहां छोटे बच्चे के लिए आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्ले जोन। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य निर्माण के लिए पहुंचिए पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय रोड, हीरापट्टी, आजमगढ़। आजमगढ़ में हाई प्रोफाइल पूर्व विधायक सीपू सिंह हत्याकांड के फरार आरोपियों के घर पर बुधवार सुबह पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की। वर्ष 2013 में 19 जुलाई को जीएनपुर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य कस्बा में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में दो और इसके बाद हिंसा में कुछ लोगों की मौत हुई थी। तभी से मामले में कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, जिसमें मुख्य अभियुक्त ध्रुव सिंह और कुंटू सिंह, जो कि जीएनपुर कोतवाली के अमुआरी नारायणपुर का निवासी है और वर्तमान में खासगंज जेल में निरुद्ध है, वो प्रदेश के टॉप 10 माफिया में शामिल है। इसके अलावा सीपू सिंह हत्याकांड में चार आरोपित फरार हैं। मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये तथ्य सामने आए थे कि कुछ अभियुक्त लगातार फरार चल रहे हैं और फैसले में देरी हो रही है, जिसको लेकर कुर्की की नोटिस भी जारी थी। पुलिस पर कार्रवाई का दबाव था। इसी क्रम में बुधवार सुबह फरार अभियुक्त रिजवान पुत्र जुम्मन निवासी समुद्रपुर थाना जीएनपुर और विजय यादव और सचिन पुत्र शिवचंद यादव निवासी हसनपट्टी थाना जीएनपुर के घर पर पुलिस की टीमों ने कुर्की की कार्रवाई की। आजमगढ़ के एसपी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई की गई। थाना जीएनपुर पुलिस के द्वारा आज कुंटू सिंह माफिया के दो सहयोगी रिजवान पुत्र जुम्मन, जो समुद्रपुर का रहने वाला है, और विजय यादव और सचिन यादव, जो हसनपट्टी का रहने वाला है, ये दोनों 348/13 थाना जीएनपुर 147, 302, 120, 7 CL एक्ट, जिसकी सुनवाई वर्तमान न्यायालय में चल रही है, इसमें सहअभियुक्त है। इनके ऊपर 25,000 का पुरस्कार भी घोषित है। वर्तमान में फरार चल रहे हैं। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ 83 CRPC के अंतर्गत कुर्की का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश का कंप्लायंस अनुपालन आज थाना जीएनपुर पुलिस के द्वारा सुबह किया है। बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई पुलिस के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। कितने की कुर्की दी सर लोग? ये तो अभी कैलकुलेट किया जा रहा है। पूरा जो सामान वहां से कुर्क किया गया उसकी लिस्टिंग की जा रही है पुलिस के द्वारा, और जो भी न्यायालय का आदेश था उसका टोटल कंप्लायंस आज कराया गया। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। आजमगढ़ के जनपद की तरवा थाना पुलिस द्वारा मुठभेड़ के दौरान एक अंतर जनपदीय वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल सहित तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। जानकारी के अनुसार आज थाना प्रभारी तरवा रत्नेश कुमार दुबे अपने हमराहियों के साथ चेकिंग कर रहे थे।
इस दौरान उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि महनाजपुर की तरफ से एक बदमाश सुपर स्प्लेंडर बाइक से तरवा की तरफ जा रहा है। मुखबिर की सूचना के बाद मुस्तैद हुई पुलिस द्वारा उक्त बदमाश को रोकने की कोशिश की गई। पुलिस को देख बदमाश भाग लगा, इस दौरान वो बाइक से लड़खड़ा कर गिर गया। बदमाश बाइक को मौके पर ही छोड़कर मौके पर मौजूद एक बाग में चला गया और पेड़ की आड़ से जान से मारने की नीयत से पुलिस बल पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में थाना प्रभारी तरवा रत्नेश दुबे, उप निरीक्षक जावेद अख्तर द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिससे बदमाश वहीं पर घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में उक्त बदमाश ने अपना नाम दानिश पुत्र जैनुल बसर निवासी शिवरी थाना बड़ेसर जनपद गाजीपुर बताया। पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए स्थानीय सीएससी केंद्र में भर्ती कराया। घायल बदमाश के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद किया गया। सवा छह बजे पकड़ी तिराहे के पास थानाध्यक्ष तरवा और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक शातिर वांछित वाहन चोर दानिश शाह, जो बड़ेसर गाजीपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के दौरान इस अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, जिसके दौरान इस बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल उपचार के लिए पीएचसी तरवा ले जाया गया, जहां इसकी स्थिति सामान्य है। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध असलाह, कारतूस बरामद हुआ है। यह थाना देवगांव के चार मुकदमों में वांछित अपराधी है। और भी विस्तार से इससे पूछताछ की जा रही है। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़, डॉक्टर ए के त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, नीरो रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाचपन रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर डी के पटेल, दमा, टीबी, सीओपीडी, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी, मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं आईसीयू, ईसीजी, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। ब्लड यानी खून एक ऐसी चीज है जिसे बनाया नहीं जा सकता, इसकी आपूर्ति का कोई और विकल्प भी नहीं है। ये इंसान के शरीर में स्वयं ही बनता है। कई बार मरीजों के शरीर में खून की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उन्हें किसी और व्यक्ति से ब्लड लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी इमरजेंसी स्थिति में खून की आपूर्ति के लिए परिवहन निगम के कर्मियों ने रक्तदान के रूप में महादान किया। रोडवेज पर इसमें जैसे ही ब्लड कलेक्शन वैन पहुंची, निगम के अधिकारियों व कर्मियों का उत्साह देखते ही बना। जिन्हें देना था उन्हें तो दिया ही, कुछ लोग मानवता के लिए और आगे आ गए। अनगिनत जरूरतमंदों की जिंदगी बचाने के उद्देश्य से 13 अप्रैल को रोडवेज बस स्टेशन प्रांगण में इस रक्तदान शिविर का आयोजन बीके सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम आजमगढ़ क्षेत्र एवं जसवंत सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ क्षेत्र के सौजन्य से हुआ। उक्त रक्तदान कार्यक्रम में वीके सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक आजमगढ़ क्षेत्र गौतम कुमार, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक डॉ. अम्बेडकर डीपो के साथ साथ पीएन सिंह, क्षेत्रीय मंत्री रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ क्षेत्र, चंद्रशेखर सिंह वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहित लगभग 50 लोगों ने रक्तदान किया। गौतम कुमार सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक डॉ. अम्बेडकर डीपो ने कहा कि जरूरतमंद को समय से ब्लड मिल जाए, इस मंशा के साथ शिविर का आयोजन किया गया। आने वाले समय में मानवता के हित में निगम ऐसे आयोजनों को आगे भी जारी रखेगा। रक्तदान शिविर का आयोजन जो है हमारे क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय और कुछ कर्मचारी संगठन भी मिल करके इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। आज इसके लिए बहुत दिन से प्रोग्राम हम लोग सोच रहे थे कि हम पब्लिक की सेवा के लिए ही समर्पित हैं। जैसे निगम हम सब मिलकर के एक परिवार पे की तरह से रह करके और पब्लिक की सेवा करते हैं, रक्तदान भी उसी का एक अंग है। उसी के तहत हम लोगों ने आज एक शिविर का आयोजन किया था, जो प्रातः लगभग 10 बजे से शुरू हुआ और लक्ष्य हम लोग का लगभग 50 का था। इस संख्या को लगभग पूरा किया गया है और इसमें काफ़ी जोश के साथ हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के लोग, क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय स्वयं, मैं और हमारे डिपोज के कर्मी सब मिलकर इसका आयोजन में भाग लिए और सहर्ष खुशी मन से जो है रक्तदान किए। इससे हमें बहुत हर्ष है। हम चाहते हैं कि इस तरीके का आयोजन आए दिन होता रहे, कम से कम वर्ष में एक बार दो बार जरूर कराया जाए, जिससे कि एक ज़रूरतमंद आदमी को समय पर ब्लड का
की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था शासन ने 3 माह बढ़ा दी है। इस योजना के अंतर्गत बुधवार को फ्री राशन वितरण का कार्यक्रम समारोह पूर्वक आयोजित हुआ। वाजपेयी की मौजूदगी में समारोह पूर्वक गरीबों को निःशुल्क राशन के बैगों का वितरण किया गया। गुलाबिकापुरा में भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह ने समारोह का शुभारंभ किया। योजना के अंतर्गत 5 किलो प्रति यूनिट मुफ्त राशन दिया जा रहा है, जिसमें 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल दिया जा रहा है। योजना के तहत सभी सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान पर निःशुल्क राशन वितरण किया गया। कपड़े के थैले में राशन वितरित किए गए। आज हमारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत फ्री अन्न वितरण का कार्यक्रम है, जो एक हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की एक बहुत अच्छी योजना चल रही है, जिससे गरीब सीधे सीधे लाभान्वित हो रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी ने 3 महीने के लिए और गरीबों को मुफ्त राशन बढ़ाया है, उसका शुभारम्भ आज हम लोग जनपद आजमगढ़ में किए हैं और यह कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लगातार गरीबों किसानों मजदूरों की चिंता कर रहे हैं और उनके विकास के प्रति उनकी तकदीर कैसे बदले, उनकी भाग्य कैसे बदले, इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार करना चाहता हूँ। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़ आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था आईसीएसई के अनुसार छात्र और अध्यापक अनुपात सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज सभी विषय के अनुभवी शिक्षक पूरे सिटी में वाहन की सुविधा एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11 अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़ सरकारी भूमि पर येन केन प्रकार ऋण कब्जा कर वर्षों से दबंगई करने वालों की अब मानो खैर नहीं। प्रशासन जैसे ही कमी मिल रही तुरंत कार्रवाई से नहीं चूक रहा। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ के सगरी तहसील क्षेत्र के जोगियावीर गांव में आया। गाटा संख्या 305 सरकारी अभिलेखों में पुखरी के नाम से दर्ज है और जिस पर गांव के ही रफीउल्लाह शहजादे मैनुल हक अकरम अबीबुर रहमान आदि ने कब्जा कर रखा था, जिसका रकबा कुल 208 हेक्टेयर सरकारी अभिलेखों में दर्ज है। कब्जे के खिलाफ गांव के ही मोहम्मद याकूब ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर रखा था। सुनवाई होने पर हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी एवं अन्य को पुखरी से अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। इसके बाद तहसीलदार सगड़ी उपजिलाधिकारी सगड़ी सीओ सगड़ी एवं पुलिस कोतवाली जीएनपुर द्वारा राजस्व निरीक्षक के नेतृत्व में 5 लेखपालों की टीम द्वारा पुखरी से अतिक्रमण हटाया गया। पोखरी पर बुलडोजर चलने से पूरे गांव में अभी कई पोखरियों पर कब्जा किए हुए लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ गांव के लोगों ने जो पोखरी के लिए काफी दिन से संघर्ष कर रहे थे उनको जब जाकर न्याय मिला पोखरी से अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जहां पर 3 जेसीबी मशीन लगाकर पूरे अतिक्रमण को हटाया गया। इसके पूर्व में भी उस पोखरी से अतिक्रमण हटाया गया था पर पुनः लोग अतिक्रमण कर लिए। लेखपालों की टीम में राजस्व निरीक्षक उमा प्रसाद लेखपाल राम सागर सोनी लेखपाल सुजीत कुमार लेखपाल अमित कुमार गौड़ मनोज कुमार राय मोहम्मद नफीस आदि लेखपालों के द्वारा मौके पर पहुंचकर पैमाइश करने के उपरांत पोखरी से अतिक्रमण हटाया गया। पोखरी से अतिक्रमण हटाते ही गांव में अन्य लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को लेकर काफी हड़कंप मचा हुआ है। लोग तरह तरह की चर्चाएं करते हुए देखे गए। मुख्य विकास अधिकारी नोडल अधिकारी आजादी का अमृत महोत्सव आनंद कुमार शुक्ला द्वारा बुधवार को गलीचेज सभागार में आजादी का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाए जाने की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार दिनांक 12 मार्च 2021 से अब तक कराए गए कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण एवं फोटोग्राफ संस्कृति विभाग की मेल आईडी पर भेजा जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कराए गए कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स एवं विवरण एक निर्धारित प्रारूप पर सहायक नोडल अधिकारी जिला सूचना अधिकारी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा इस वर्ष 2022 में भी आजादी का अमृत महोत्सव मनाए जाने की समय सारिणी प्राप्त हो गई। उन्होंने कहा कि सभी विभागों द्वारा कार्यक्रम कराए जाने की कार्य योजना तैयार कर ली जाए। मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में मिशन शक्ति योजना की भी व्यापक समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले स्वावलंबन कैंप का प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार कर लोगों को जागरूक करें ताकि उस दिन अधिक से अधिक लोग कैंप में भाग ले सकें।
मुख्य विकास अधिकारी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि विभाग की सभी योजनाओं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तथा ऑपरेशन मुक्ति आदि की व्यापक जानकारी से जनता को अवगत कराएं, ताकि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों द्वारा प्राप्त किया जा सके। आजमगढ़ के सगरी तहसील क्षेत्र के बिलरियागंज कस्बा में दो सोनोग्राफी सेंटर संचालित हो रहा था, जहां पर जिलाधिकारी सगरी गौरव कुमार एवं डिप्टी सीएमओ संजय कुमार द्वारा छापेमारी की गई, जहां पर संदिग्ध चीजें बरामद होने पर दोनों ही सोनोग्राफी सेंटर को सील कर दिया गया और एफआईआर दर्ज करने एवं लाइसेंस निरस्तीकरण करने के आदेश दिए गए। वहीं एक सोनोग्राफी सेंटर पर न कोई डॉक्टर था न ही कोई कर्मचारी, एक व्यक्ति प्राइवेट बैठा हुआ था जो सोनोग्राफी से स्कैन कर रहा था, जिससे कई संदिग्ध चीजें बरामद हुई, जिस पर लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। यहां पर कोई भी अभिलेख नहीं मिला। जब जांच टीम ने फॉर्म एक मांगा तो वो भी उपलब्ध नहीं था, जिस पर सोनोग्राफी प्रतिदिन की जाती है वो लिखा जाना अनिवार्य है। अनर्गल कुछ संदिग्ध पर्चियां पाई गई, जिससे भ्रूण हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है, जिसके लिए डॉक्टर संजय गुप्ता को विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। सोनोग्राफी सेंटर पर छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। इस दौरान उपजिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने बताया कि छापेमारी के दौरान कई चीजें संदिग्ध बरामद हुई है। वह एक व्यक्ति जो सोनोग्राफी सेंटर पर बैठा पाया गया, वो कुछ कागजों की स्कैनिंग कर रहा था, जिससे पूछने पर बताया गया कि मैं लोगों को खाने के लिए समझा रहा था, जिस पर अधिकारियों ने जब पूछा कि आप इस सोनोग्राफी सेंटर के क्या हो तो जवाब नहीं दे पाया, जिस पर मामला संदिग्ध होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण व एफआईआर के आदेश दिए गए और दोनों ही सोनोग्राफी सेंटर को सीज कर दिया गया। वहीं दूसरे सोनोग्राफी सेंटर पर संदिग्ध चीजें बरामद हुई एवं बिना डॉक्टर की अनुमति के ही सोनोग्राफी सेंटर चलाया जा रहा था। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की गई है।